बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। की हालत तुहाड़े जी, तुहां सबनूं जी वड्डा वड्डा वेलकम। इस वक्त क्या हो रहा लगा यार, इस वक्त क्या है, अफ्तारी के बाद के मनाजिर हैं। कल अफ्तारी के बाद हम लोगों को जाना पड़ गया था यार, थोड़ी सी ग्रॉसरी करने, और रमज़ान है और हम अलीज़े के जो है ना, वो ईद का ड्रेस अभी तक नहीं आए थे और उसका शूज़ भी नहीं आया, उसके क्लिप्स भी नहीं आए हैं। बाकी बच्चों के दोनों की शॉपिंग मैंने तकरीबन कर ली, अली की भी शर्टें रह गई हैं, तो मैंने कहा चलो बस इस टाइम हम लोग शॉपिंग के लिए निकले हैं तो आपको साथ। फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि कभी भी मैं ट्रेन के नीचे से गुजरी, इसलिए मैं इतनी एक्साइटेड हो रही थी। हमेशा जाते तो देखा मगर बड़ा अच्छा लग रहा था कि ट्रेन ऊपर से गुजर रही है और मैं नीचे से जा रही हूँ। तो बस इसी तरह करके हम लोग जा रहे थे आज चैस वैली सेंटर, वहाँ पर जाकर हमें देखने थी कुछ चीज़ें, तो जिसके लिए हम लोग फटाफट निकले, बच्चों को छोड़ के जा रहे हैं। अभी हम लोग जाएंगे पेट्रोल डलवाने, क्योंकि गाड़ी बाइक जो है ना पेट्रोल से चलती है भाई, उसके बगैर नहीं चलती। पेट्रोल डलवाएंगे अच्छा भाई, मेरा ख्याल था कि अफ्तारी के बाद हम पहले लोग होंगे जो जल्दी निकले। यहाँ देखो जी, ये देखो, वाह वाह जुगाड़, इतना अच्छा लग रहा है, क्यूट सा बच्चा था बास्केट के अंदर बैठा हुआ। हमारा ख्याल था कि सिर्फ शॉपिंग के लिए हम अकेले निकले हुए होंगे, मगर ना बाबा ना, यहाँ तो पूरा का पूरा ऐसा फील हुआ था, रश इतना था। मुझे अपने लिए भी शूज़ देखने थे मगर मुझे कोई भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैंने अभी तक अपना ईद का ड्रेस ही नहीं लिया हुआ है। तो जब तक मैंने ईद का ड्रेस नहीं लिया तो मैं शूज़ कैसे ले सकती हूँ, तो पहले मैंने सोचा ईद का ड्रेस लूँ। अलीज़े फातिमा को ये बहुत अच्छा लगा, ये भी मुझे अच्छा लगा, मगर ना अलीज़े ने वो लिया ना ये, क्योंकि वो वाला ड्रेस जो था फर्स्ट जो दिखाया था वो इनके बाबा को अच्छा नहीं लगा, और ये वाला जो था ये अलीज़े ख़ुद को पसंद नहीं आया। तो अलीज़े की शॉपिंग फिर रह गई, और यहाँ से मैंने अली के लिए शर्ट ली और एक टी शर्ट ली और एक शर्ट ली, क्योंकि पैंट उसकी पहले ले चुकी थी। और इसके बाद अलीज़े को लेकर हम लोग चले, क्योंकि यहाँ पर अलीज़े को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, कोई ख़ास इतने अच्छे बच्चियों के कपड़े नहीं थे जिस तरह की ईद के लिए हमें चाहिए होते हैं। तो मैंने कहा चलो यहाँ से हमने जो कुछ भी थोड़ा बहुत लेना था ले लिया। अगर आप लोग आना चाह रहे हो तो अफ्तारी के फ़ौरन बाद निकल आओ, क्योंकि जैसे जैसे टाइम ऊपर होते जाते हैं ना, रश बेइंतहा बढ़ जाता है। अभी रमज़ान की बात बता रही हूँ, पता नहीं आगे क्या सीन होने लगा है। अच्छा, यहाँ से हम लोग निकले और यहाँ से अब हमें जाना था कहीं और, क्योंकि अलीज़े का आज अलीज़े का ड्रेस दिलाना ही दिलाना था, क्योंकि इनके बाबा के बकौल के टाइम बहुत जल्दी जल्दी गुजर रहा है। तो अब हम लोग आ गए थे मेट्रो में। मेट्रो में यहाँ पर भी एक दो दुकानें हैं बच्चों के लिए, बिन सैद की भी आउटलेट है और सुहाहा कह के है उनकी भी आउटलेट है। तो मैंने कहा चलो यहाँ पर टच कर लेते, शायद हमें यहाँ पर कोई अच्छे ऑफिसर डिज़ाइन के कपड़े मिल जाए। तो अलीज़े को लेकर यहाँ आए और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर भी कोई ख़ास अच्छा कपड़ा हम लोगों को नहीं मिला, क्योंकि प्राइस जो थे आम से नॉर्मल सा सूट था उसके 3,000 ड्रेस थे। तो चलो पहले दिखा देती हूँ कि यहाँ पर क्या हुआ। ये सारा वो है सर्दियों का फैब्रिक है। अच्छा, वहाँ पर भी हमें ड्रेस पसंद नहीं आया है, जो दिखा रहे थे वो बिल्कुल नॉर्मल सिंपल से कपड़े थे और पैसे भी बहुत ज़्यादा थे, इनके बाबा को अच्छे नहीं लगे। अलीज़े यहाँ पर हो गई टोटली भाई नाराज़ अलीज़े हो गई नाराज़, कह रही है कि आप लोग लेना ही नहीं चाहते कपड़े, मुझे वो पसंद आया था आपने नहीं दिलाया, बच्चों को दिलाना चाहती हूँ। अच्छा भाई, ग्रॉसरी हो गई है ख़त्म, यानी कि मेरा जो है वो जामशेरी ख़त्म हो गया था, चीनी ख़त्म हो गई थी। हस्बैंड हैरान हो रहे थे कि इतनी सारी ला के डलवाई थी गई का। मैंने कहा भाई अफ्तारी में रोज़ शरबत बन रहा होता है, अच्छा सेरी में भी बच्चे बाजू का शरबत बना के पी लेते हैं, हमजा साहब भी 24 घंटे शरबत मांग रहे होते, गर्मी ज़्यादा हो गई है, शरबत ज़्यादा बन रहा है। मेरा जो
मेरा जो लगाती हूँ फेस वॉश वो भी ख़त्म हुआ हुआ था जब से मैं वापस आई थी इराक से। मुझे अपना फेस वॉश लेने का भी टाइम नहीं मिला था, वो भी लेना था, और थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी रूटीन की जो भी डेली वर्क की, बस छोटी मोटी से जो सामान था वो लिया, या मेट्रो क्योंकि आए हुए थे तो मैंने कहा चलो अब ऊपर से हम लोग कर लेते हैं थोड़ी बहुत ग्रॉसरी। अच्छा चीनी यहाँ पर 86 रुपये के जी मिल रही है, आप लोग बताइएगा आप लोगों की तरफ क्या हिसाब मिल रहा है, चीनी भी बहुत महंगी हो गई है भाई क्या करें। अब यहाँ से हमने फटाफट थोड़ी बहुत ग्रॉसरी ली, थोड़ा सा चिकन वगैरह लिया, और उसके बाद बस हम लोग निकल गए। हमें जीत गई क्योंकि जी मैं आ गई हूँ घर, ये पड़ी हुई ग्रोसरी मेरी सारा सामान, और हम जा रहे हैं इस वक्त खाना खाने। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम बाबू, सो गए तुम्हारे बाबू, आओ हम कोल्ड ड्रिंक डाल के देंगे, कमल आ जाओ। तो आज ओके जी वापसी में लग रही थी भूख, तो हमने सोचा चलो भाई हम लोग जो है वो पिज़्ज़ा ले लेते हैं, और सेहरी के लिए भी हमने पिज़्ज़ा ले लिया था, अभी खाने के लिए भी पिज़्ज़ा ही खा रहे थे। टाइम तो हो गया था अच्छा खासा, तकरीबन 11:30-12 होने वाले थे जब हम लोग घर लौटे, तो हमने बस पिज़्ज़ा से सेहरी भी की और पिज़्ज़ा से ही खाना भी खाया। और ये आज की सेहरी थी, और अलीज़े का ड्रेस नहीं आया, अलीज़े की शॉपिंग फिर हो गई, नाकाम, नहीं आ सके उसके ड्रेस। तो अभी आज का तो यहाँ पर सेहरी हमने कर ली और खाना खा लिया। इंशाल्लाह अलीज़े का ड्रेस और मेरा ड्रेस और मेरे शूज़, अलीज़े के शूज़, ये हम इंशाल्लाह बाद में चलेंगे, अब कब जाएंगे देखें और कब जब के शॉपिंग करेंगे। अब नेक्स्ट डे का व्लॉग स्टार्ट कर दिया है मैंने, सुबह हो चुकी है भाई। अस्सलाम वालेकुम, एक न्यू व्लॉग, और आज के लिए हम बना रहे हैं जी अफ्तारी भी है और क्या है सब देखेंगे आज, क्योंकि सुबह मैं उठ गई हूँ और आज है जी 7वें दिन की अफ्तारी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ढूंढ ढूंढ के थक गई मैं, कल लेकर आई थी रूह अफ़ज़ा और मुझे इतनी देर हो गई ढूंढते हुए, बता क्यों नहीं रहे थे कि छुपाई हुई है। छुपाई कब थी? फिर गिर गई थी अंदर। अच्छा गिर गई थी भाई, ये मिल गई है हमें, कल चावेशीरी कम था तो मैंने लीमू पानी डाला, पता है तुम्हें? अच्छा नहीं था, बहुत ही अजीब सा बन गया था। देखो हमजा को ना इनके पापा झूला देंगे, देखो दो रजा फ्रैंक और हमजा के साथ, हमजा को झूला दे रहा है। पकाना चूल्हे के, तुम तो चूल्हे पर आओगे। अच्छा भाई हम बना रहे हैं आलू की मज़ेदार किस्म की रेसिपी, और वही बना रहे जो कल बनाया था, कोई नई चीज नहीं है। तो इसके लिए आलू को जो है हमने क्या करना है, हमसे मैश 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 मैं करूंगा नहीं मैं नहीं करूंगा, मैं खुद करूंगी, छोड़ दो। मैं वीडियो बनाना। लो भाई शेफ हमजा आ चुके हैं इस वक्त किचन में तबाही मचाने के लिए। हमजा आ गए हैं तबाही मचाने के लिए। हमजा आ चुके हैं तबाही मचाने के लिए। हमजा कर देंगे इस आलू का कचालू। आलू का कचालू करने वाले हैं, चलो ना। अच्छा यानी कुटी हुई लाल मिर्ची अगर हम लोग इस तरह डब्बे में जो है ना बंद करके रखते हैं ना, तो इस तरह से हो जाता है। किसी के पास कुछ आइडिया है तो बताओ भाई कि इस तरह क्यों होता है, खराब क्यों हो जाती है मसाले या मिर्चें। अभी नया लाई हूँ, तकरीबन इसको 1.5-2 हफ्ते हुए और इस तरह की हालत जाले बन रहा है, तो प्लीज़ कोई बता दे भाई इसका क्या रीज़न है, क्यों हो रहा है। अच्छा यहाँ पर मैं आलू के बना रही हूँ दोबारा से, कल जिस तरह बनाए थे वैसे ही बना रही हूँ, वही सारे मसाले डाले हैं, जिसने नहीं देखे तो कल वाला व्लॉग देख लो, बिल्कुल वही वाले बना रही हूँ जैसे कल वाले समोसे बनाए थे बच्चों की फरमाइश पर। अच्छा कल वाला जो आटा था ना गूंदा था, उसमें से सिर्फ एक ही पेड़ा बचा था, अब मुझे कोशिश करनी है इसमें से मैं आज दोबारा से बहुत सारे बना लूँ, एक ही पेड़ा है और देखो कितने बनाते हैं। चलो देखो भाई जगह कम और चीज़ ज़्यादा, अब ये ज़्यादा था तो मैंने इस तरह की, अब देखो कोशिश करेंगे कि ये सारे के सारे जो ना बन जाए, कामयाबी होगी या नहीं होगी इसका कुछ नहीं पता। तो पहले बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे और इधर से जाएंगे इधर, ठीक है, फिर इधर से जाएंगे इधर, क्या हो रहा है बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, फिर इधर से जाएंगे इधर, फिर इधर से जाएंगे, ये रास्ता दे दो भाई इधर। ये आज कुछ खतरनाक चीज़ होने लगी, खतरनाक चीज़। देखो यहाँ अब ये दो के बीच में इधर तक पहुँचाएंगे, ठीक है, और इधर से जाएंगे, चढ़ा चढ़ा तो कर दी, अब देखो आगे क्या होगा।
बताओ सर, करिश्मा देखो। देखिए यहाँ पर अंडा फेंट लिया है, ये है ब्रेड क्रम्स। अब हम लेंगे एक कुचुमुचू को लेंगे और इसमें डालेंगे, ठीक है। अभी देखो, एक जुगाड़ू काम, ये जुगाड़ के चक्कर में लंबा काम, इसे कहते हैं तुम्हारी माँ का काम। अच्छा, इसको हम करेंगे थोड़ी अच्छी तरह शैलो फ्लाई करेंगे, यानी कि बहुत हल्के तेल में डालेंगे। अगर इसमें आटा गूंद लेती ना तो मुझे इतने काम नहीं करना पड़ते। अच्छा इसको तुम खाना। अच्छा हुआ क्या, जो बहुत मोटा मोटा बनाया था ना उसका पेट फट गया, आलू निकल गया उसके अंदर से। ये देखो, जिसे मैंने बहुत ज्यादा ओवर किया ना, तो वो ये जिसमें ओवर नहीं किया वो सही था, और जिसने बहुत ज्यादा ओवर कर दिया वो फट गया पेट। ये देखो उसका तो पूरा पेट खाली हो चुका है। ये देखो ज्यादा खाया तो पेट खाली, अंदर कुछ भी नहीं है इसके। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, बाकी जो तीन है ना इसको मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ तवे के ऊपर, मेरे ख्याल में वो सही रहेगा। ये ऐसे करके शैलो फ्राई करेंगे इसको। देखो कभी कभी ख़राब भी हो जाती हैं चीज़ें, झूठ नहीं बोलना चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए भाई। अब आम उन्नास को सच सच बता देना चाहिए, जो गलती हुई वो हुई। अच्छा ये मुझे रसगुल्ला लग रहा है, ऐसा लग रहा है ऐसे रस मलाई है, जिकर ऐसे उठाऊँ और मुँह में डाल दूँ। आह रस मलाई खाने का दिल कर रहे हैं, रस मलाई। अच्छा भाई आज हम लेकर आए हैं ईरानी दही, और आज फर्स्ट टाइम इसको देख रही हूँ कैसी है, फिर आप लोगों को बताती हूँ क्या कैसी है। हस्बैंड लेकर आ गए, क्योंकि मैंने उनको मना किया था कि दही तो अपनी फ्रेश अच्छी, पर कहने लगे कि अच्छी मिलेगी 300 रुपए की। अरे खुलेगी कैसे भाई, बोलती हूँ पहले इसको। ऐसे फ्रिज खोल के भाग गया लड़का। अच्छा भाई अली जो है वो बाइक चलाना सीख रहा है। अच्छा भाई बेटा जो है मेरा बाइक चलाना सीख रहा है, बाप की बड़ा हो गया है चलाना सीखेगा, पता नहीं फैसला सही है गलत है, चलाना सीख रहा है। कपड़े धो के डाल दिए थे मुझे भाई। यहाँ पर तल रहे हैं हम आलू के पकौड़े, ये इसका बैटर है, और यहाँ पर आज मैंने बनाया है पले, फिर से पले बना लियो तो वो बस। हाँ क्या हुआ, हम जो क्या हुआ मुझे पापू ओके जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमने की अपनी सातवीं जो है वो अफ्तारी आपके साथ शेयर। मैंने बनाए थे अपने लिए भले, और कोई नहीं पीता आपके, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था। इस यहाँ से अजान हो गई है और बच्चे दुआ पढ़ रहे थे, हम उसे दुआ कर रहे थे, और आज सातवीं अफ्तारी आपके साथ मैंने शेयर की। और आपको अच्छा लगा होगा, आज का व्लॉग भी अच्छा लगा होगा, भागता दौड़ता सा व्लॉग था, जिसके अंदर हमने जो है वो दही बड़े भी बनाए थे, फ्रूट चाट बनाई थी, कटलेट्स बनाए थे, कामयाब हो गए थे, बाद में थोड़े बहुत जो नाकाम हुए थे बच्चों ने वो भी खा लिए थे, पकौड़े बनाए थे, सैंडविच बनाया था अली के लिए, क्योंकि अली को ये सैंडविच बहुत अच्छा लग गया। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। इसके बाद हम लोग बाहर गए थे बच्चों के लिए आइसक्रीम लेने, बच्चे काफ़ी दिन से कह रहे थे आइसक्रीम खाना, तो मैं आइसक्रीम ले आई थी भाई। बस यही मेरा आज का व्लॉग था, मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़। मेरे पास कम है, मेरा ये था मैंने आपको।